29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर दतिया संदीप माकिन ने जिले में होने वाले आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम किला चेक दतिया में आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 125.9 करोड़ के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर संदीप माकिन ने कलेक्टर निवास पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कलेक्टर माकिन ने बताया कि प्रधानमंत्री का 29 फरवरी को वर्चुअल कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम दतिया में किला चौक पर होगा। साथ ही जिले में इंदरगढ़, सैंबड़ा, बड़ौनी, भांडियन में चिन्हित जगह पर भव्य आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर संदीप माकिन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना और किसान सम्मान निधि कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारी पूरी संवेदना से भाग लेकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सभी कार्यक्रमों का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ हो तथा कार्यक्रमों की गरिमा बनी रहे। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों में लाइव प्रसारण की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मुख्य नगरपालिका अधिकारी समय रहते पूर्ण करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था संबंधित सरपंच, जिला पंचायत सदस्य करेंगे। पत्रकार वार्ता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश भार्गव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा भी उपस्थित रहे। शिव रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, ये कार्यक्रम इस तरह का है कि जिस प्रकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी, अभी आपने देखी, सभी ग्रामों, ग्राम पंचायतों में गई, लोगों से मिली, जो हितग्राही हैं उनको बताया गया, एक तरह से पब्लिक को लिटरेट भी किया गया, और हेल्थ और बहुत सी फैसिलिटीज, उज्ज्वला और इस तरह के आधार कार्ड और फलाने सब उनको कृषि सम्मान इत्यादि का किया गया। लेकिन उस वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। ये जो प्रोग्राम है उन्हीं में से जो आदिवासी भाई हमारे हैं उनको केंद्रित करते हुए शासन ने ये निर्णय लिया, भारत सरकार ने, कि इसमें जो प्रधानमंत्री जी के नाम से या जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सभी योजनाओं का लाभ कम से कम 100% आदिवासी भाइयों को या परिवारों को दिया जाए। इस क्रम में दतिया में, जैसे आप सबको पता है कि दतिया में सहरिया आदिवासी हमारे हैं, तो हम लोग ने छाटा तो करीब 65 हैबिटेशंस निकले, एक आध और हो सकता है वो हम देख रहे हैं, और करीब आप माने तो 10,869 या मोटे तौर पे माने 11,000 के लगभग पॉपुलेशन और करीब 2700 के लगभग परिवार अपन ने छाटे उसको। अब हम उनका डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। डेटाबेस तैयार करने पे सबका आधार कार्ड हो, क्योंकि वो जरूरी है, समग्र आईडी तो है सबकी, समग्र आईडी के बाद आधार बने तो आयुष्मान कार्ड बन पाएगा, आयुष्मान कार्ड बने इधर उज्ज्वला देना, इधर प्रधानमंत्री आवास अगर उनकी पात्रता बनती है तो, और अन्नपूर्णा योजना का उनको लाभ, तो ये सारी चीजें एक साथ सभी आदिवासी कोई उसमें वंचित ना रहे, इस आशय से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्णय लिया। उसका क्रियान्वयन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। दतिया अच्छी पोजिशन पे है पूरे मध्य प्रदेश में, और हम बिल्कुल लगे हैं कि 100% लोगों को ऐसा कोई आदमी वंचित ना रहे जो आदिवासी समुदाय से आता है और उसके बाद उसको शासन की योजना पात्र होने के बावजूद न मिल पा रही, तो वो हम रूल आउट करेंगे। तो वो हम एक एक हमारी रोज लगभग बैठक कर रहे हैं हम इस पर, और माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस संबंध में कई बैठकें पूर्व में ले चुके हैं। तो हमने जहाँ तक अपनी स्थिति बताई कि हमारे यहाँ करीब इतने इतने लोग हैं, और उसमें बहुत से लोगों को ऑलरेडी हमने कार्ड बांटे हुए हैं, आयुष्मान कार्ड भी मिले हमें पूरे पूरे तो नहीं मतलब और